हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग के डॉक्यूमेंट। हम राइटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि राइटर सॉफ्टवेयर में हम ये सब काम कैसे करते हैं। अब राइटर सॉफ्टवेयर में ही हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट कैसे लेते हैं, टू क्विकली प्रिंट द डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ऑप्शन क्लिक द प्रिंट आइकन। या तो प्रिंट आइकन पर क्लिक कर दो आप, या फिर आप फाइल में जाके प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर कंट्रोल पी प्रेस करोगे तब भी आपका प्रिंट का कमांड शुरू हो जाएगा। प्रिंट करने से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखना चाहिए। प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि हमारा पेज दिख कैसे रहा है, प्रिंट के टाइम कैसा आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू इज़ यूजफुल टू चेक द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। अ यूज़र कैन चेक वेदर द डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड एज नीडेड सच एज आइडेंटिटेशन बॉर्डर्स। मतलब कि प्रीव्यू करने से पहले हमें पिक्चर्स दिख जाती है, हमारे डॉक्यूमेंट की व्यू दिख जाता है कि उसमें कि हमारी कैसे टेक्स्ट आएगा, इंडेंट मतलब कि लेफ्ट राइट से सही है, बॉर्डर सही आ रहे हैं, उसके टेक्स्ट सही है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट पूरा दिख जाता है। देखो ये प्रिंट प्रीव्यू में जैसे करके देख रहा है तो उसको डॉक्यूमेंट दिख रहा है कि प्रिंटिंग के टाइम आपका डॉक्यूमेंट ऐसा आएगा। तो आप प्रिंट प्रीव्यू करके इसमें से देख सकते हो। कंट्रोलिंग प्रिंटिंग, टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट विद सर्टेन ऑप्शन यूज़ द प्रिंट डायलॉग। आपको अगर मान लो कुछ ऑप्शन यूज़ करने हैं, सारे चीज़ें यूज़ नहीं करें प्रिंट में, तो आप कंट्रोल प्लस पी दबा के या फाइल में प्रिंट में जाओगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ये ऊपर ओपन हुआ है, इसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं आपके। फ्रॉम प्रिंट डायलॉग बॉक्स यू कैन चूज़ ऑप्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट। देखो अलग अलग आते हैं, जर्नल, लेबर ऑफिस राइटर, पेज लेआउट ऑप्शन। तो आप इसमें से प्रिंटर भी चूज़ कर सकते हो, कितने टाइप के प्रिंटर आपके ऐड हैं। रेंज एंड कॉपीज़ में देखो, ऑल पेजेस मतलब जितने पेजेस हैं आपकी फ़ाइल में सारे पेज प्रिंट करने हैं, या नीचे वाला ऑप्शन पेजेस। इसमें क्या होता है, बीच बीच में से अगर आप करना चाहते हो तो बीच बीच में से रेंज दे सकते हो। जैसे आपको फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ पेज प्रिंट करना है तो 4, 5, 8 लिख दोगे तो वही वाले प्रिंट होंगे। या आप रेंज भी दे सकते हो, जैसे 1 to 5 तो 1 hyphen डाल के आप 5 लिखोगे तो 1 to 5 पेज प्रिंट हो जाएंगे। अब ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में कितनी कॉपी चाहिए हमें एक पेज की, 1, 2, 3, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो चूज़ कर सकते हो। तो कह रहा है कि इफ़ यू क्लिक ऑन स्मॉल ट्राइंगल बटन ए लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ प्रिंटर इज़ अवेलेबल। देखो जब हम इस पे प्रिंटर के ऊपर ये बटन एक एरो का होता है उस पर क्लिक करोगे तो जितने प्रिंटर इसके अंदर ऐड है वो दिखा देगा इसमें। तो जौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट लेना है उसको चूज़ कर लोगे आप। अब प्रिंटिंग ऑल पेजेस, सिंगल एंड मल्टीपल पेजेस, ये भी मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। अगर सभी पेजेस को टू प्रिंट ऑल द पेजेस इन सीक्वेंस, आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। जैसे इस डायलॉग बॉक्स में मैंने बताया था कि ऑल पेजेस पे क्लिक कर दिया। और अगर बीच बीच में से लेने हैं तो 4, 7, 10 ऐसे इस तरह से कॉमा डाल के कर दो। और अगर आपको सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन पे क्लिक करो, सिर्फ जितना सिलेक्ट करना है। मान लो आपको एक पेज में से भी सिर्फ 7 लाइन इस शुरू की 7 लाइन का ही प्रिंट लेना है तो उसको सिलेक्ट करके रखो और यहाँ सिलेक्शन वाले पे क्लिक कर दो तो जो सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसका प्रिंट आएगा। तो ये आप तीनों ऑप्शन जो हैं इसमें चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास ऑप्शन है मेल मर्ज का। देखो मेल मर्ज का क्या काम होता है इसमें। मेल मर्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। इट इज़ यूज टू क्रिएट ए सीरीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट्स विद मल्टीपल एड्रेसेस। इसमें हम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग एड्रेसेस से। मेल मर्ज इज़ द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द मेलिंग एड्रेस ऑफ वेरियस पर्सन। मान लो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर है या कोई सर्टिफिकेट है, उसको आपको अलग अलग पर्सन के पास भेजना है। अलग अलग पर्सन के पास भेजोगे तो सबकी मेल आईडी अलग अलग होगी, तो वो कैसे हम ऐड करते हैं। तब जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो मर्ज हो जाता है हमारा मेलिंग एड्रेस के साथ। मतलब हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसको जितने पर्सन है सबके मेल एड्रेस के साथ मर्ज कर देंगे ताकि वो डॉक्यूमेंट है सबकी मेल आईडी पे सेंड हो जाए। तो नेम मेल, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज का ऑप्शन। तो इट इज़ यूज टू सेंड इनविटेशन लेटर्स और टू प्रिंट सर्टिफिकेट फॉर सेवरल पीपल। मान लो आप कोई इनविटेशन देना है आपको बहुत सारे पर्सनस को, वेडिंग इनविटेशन देना है, बर्थडे इनविटेशन देना है, तो आपने एक मेन डॉक्यूमेंट बनाया हम बर्थडे इनविटेशन का और उसको सारे के सारे ईमेल्स पे सेंड कर दिया। उसके लिए आपको मर्ज करना पड़ेगा आपके मेन डॉक्यूमेंट को। मेन डॉक्यूमेंट कौन सा, जो भी आपने अगर मान लो कोई कार्ड बनाया है या कोई लेटर बनाया है, सर्टिफिकेट देना है या तो किसी को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहा है इसमें, इफ़ यू विश टू इन्फॉर्म योर कस्टमर ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट देन द कंपनी इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट आर द सेम इन ओल्ड डॉक्यूमेंट। मान लो आपको अपनी कंपनी, आपका कोई प्रोडक्ट बना रही है आपकी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट, आपको सारे कस्टमर को उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एक मेन डॉक्यूमेंट है,
पर जो रिसिप्टेंट हैं उनके जो मेल आईडी हैं, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो सब अलग अलग हैं। तो अब क्या करोगे? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ योर प्रिंसिपल और क्लास टीचर वॉन्ट्स टू सेंड ए लेटर और नोटिस टू योर पेरेंट्स रिगार्डिंग एनी मीटिंग और फंक्शन, मान लो आपके प्रिंसिपल ने या फिर आपके टीचर ने पेटीएम रखनी है और एक लेटर या नोटिस भेजना है आपके पेरेंट्स को कि मीटिंग को अटेंड करो, तो आपको क्या होगा? जो मैटर है लेटर का वो तो सेम ही होगा, उसमें क्या लिखा होगा कि इस दिन पेटीएम है, सभी पेरेंट्स को पहुंचना है, ठीक है? तो मैटर तो सेम लिखा होगा, लेकिन एड्रेस तो सभी पेरेंट्स के अलग अलग होंगे ना, मेल आईडी तो सबकी अलग अलग होगी, तो उसको कैसे सेंड करेंगे? सबसे पहले हम एक लेटर क्रिएट करेंगे, जो मेन लेटर है, जिसमें मान लो पेटीएम वाला लेटर है, तो पेटीएम वाला लेटर मेन जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद कॉपी द एड्रेस फ्रॉम एड्रेस लिस्ट टू चेंज द एड्रेस ऑफ ईच सेट ऑफ पेरेंट्स। फिर हम कॉपी करते जाएंगे एड्रेस लिस्ट में से सब पेरेंट्स के अलग अलग एड्रेस को और प्रिंट कर देंगे लेटर को। द प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग एंड चेंजिंग इज रिपीटेड एज मैनी टाइम एज द नंबर ऑफ पेरेंट्स। अब क्या होगा, बारी बारी आप चेंज करोगे पेरेंट्स के एड्रेस को, फिर कॉपी करोगे, फिर चेंज करोगे। तो दिस वे क्रिएटिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस। उससे क्या होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, हर एक एक लेटर निकालोगे, सब पे एड्रेस चेंज करोगे, फिर एक लेटर निकालोगे, फिर दूसरे पे एड्रेस चेंज करोगे। मान लो 1000 स्टूडेंट है तो 1000 लेटर निकालने पड़ेंगे आपको, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को रिमूव करने के लिए वर्ड प्रोसेसर ने एक स्पेशल फीचर दिया है मेल मर्ज का। उसमें क्या होता है, इन मेल मर्ज टू डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड। दो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, वन विद कॉमन कंटेंट्स। एक में तो कॉमन कंटेंट्स होगा जिसमें लिखा होगा कि आपको पेटीएम पे आना है, इस दिन पेटीएम है, ठीक है। एंड अदर होल्डिंग द एड्रेस लिस्ट इज कॉल्ड डाटा सोर्स। और दूसरे डॉक्यूमेंट में क्या होगा, एड्रेस लिस्ट होगी पूरे पेरेंट्स की, उसको बोल देते हैं हम डाटा सोर्स। तो दो डॉक्यूमेंट होगी, एक मेन डॉक्यूमेंट और एक डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट। द फॉर्म लेटर कंटेन्स द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड वेरिएबल नेम्स फॉर द डाटा विच वेरी इन डिफरेंट लेटर। जो एक्चुअल मैटर है लेटर का वो तो हमारा मेन डॉक्यूमेंट में रहेगा, और जो हमारे एड्रेसेस हैं वो दूसरे डॉक्यूमेंट डाटा सोर्स वाले में रहेंगे। तो डाटा सोर्स में क्या होता है, वेरिएबल्स होता है जिसको हम मेन डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल है, द एड्रेस ऑफ ऑल द पेरेंट्स विद रिस्पेक्टिव टाइम वुड बी स्टोर्ड इन डाटा सोर्स। कि सारे जो डाटा सोर्स वाला डॉक्यूमेंट है उसमें सारे पेरेंट्स के क्या हैं, एड्रेसेस हैं। और फॉर्म लेटर क्या है, जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें पेटीएम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लेटर कंसिस्ट ऑफ मेन डॉक्यूमेंट एंड द डाटा सोर्स। तो अब उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। अब ये लाइन वाइज दिखा रखा है कि कैसे हम डाटा सोर्स को ऐड करेंगे और कैसे मेन डॉक्यूमेंट को ऐड करेंगे। तो ये हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैं वीडियो में